हाल। मतलब ये क्या है? ताजमहल। हेलो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है सबको? जरा आर्मेनिया दिखा दें अपने दोस्तों को। ये हेलो, अपने सस्काल जी। फाइनली हम आ गए हैं आर्मेनिया। खेसारी भैया का तीसरा गाना शूट करने, दो गाने हमने जर्मनी में शूट किए, तीसरा और चौथा गाना अब आर्मेनिया शूट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट गाने का हम लंदन का प्लान कर रहे हैं जल्दी ही सब, तो वो तो आगे की बात है। सो कैसे हैं आप लोग? थोड़े लोग जुड़ जाएं। ये दिखाता हूँ आप लोगों को, ये सेटअप देखो। दिल गलती कर बैठा है। ठंड तो ऐसी है कि मैं बता नहीं सकता। ये शॉट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर है। भैया दिख रहे होंगे इसमें। ये हम लोगों ने लेन, पूरा लेन खाली कराया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। इधर का नहीं है स्क्रीन। ये है आर्मेनियन घोड़े और हम कैसा फ्रेम में हैं। बस एक ये सीक्वेंस करने के लिए कुछ 40 मिनट की ड्राइव थी। मैं आपको एक स्ट्रीट दिखाता हूँ और हम लोगों ने सोचा था कि जर्मनी के बाद यहाँ पे ठंड कम होगी। भाई यहाँ तो -3 degrees है। और हाँ, -3 degrees में मैं दिखाता हूँ अपने सरकार सिर्फ शर्ट पे। तो मैं आपको एक स्ट्रीट दिखाता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये स्ट्रीट है। इसके कुछ शॉट्स थे वो हो गए हैं अभी। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। पीपल, यहाँ का म्यूजिक देखिए, डांस देखिए। ये है, युद्धवंशी सुनील सिंह, थैंक यू सो मच भाई। पंकज भैया कैसे हैं? दिल्ली कैसा है? गर्मी है, थोड़ी गर्मी यहाँ भेज दीजिए। और आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए आर्मेनिया कितना सुंदर है। ये तो कुछ नहीं है, अभी मैंने प्लान किया है कि भैया को भी लाइव लाएंगे। तो आज क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा है और सुबह से मेरे हम लोग कल पहुंच गए थे, उसके बाद से सब यही सब शूट की तैयारी ब्ला 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 सब चल रही थी। बट बहुत ही प्यारे गाने हैं, बहुत ही प्यारे गाने हैं, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और तेरे मरे दरमियाँ तो अब क्या ही बोलूँ, समझिए उस वो 19 है तो यहाँ पे 25 है। ये गाना नेक्स्ट लेवल सॉन्ग है और हिंदी है, गाना हिंदी है, एक गाना भोजपुरी भी है। तो ऐसा नहीं है, भोजपुरी भूल नहीं सकते हम लोग, भोजपुरी जिंदाबाद। ये देखो, ये अपना सर, आपने जो ये गाना डायरेक्ट किया है तेरे मेरे दरमियाँ से, 19 है, 20 है, 18 है, 16 है, क्या बात कर रहे हैं? ये हमारे दादा हैं और अमित भाई, ही इज़ अ ग्रेट ग्रेट कोरियोग्राफर। और सर आपने जो वो डांस करवाया है, भैंस की यहाँ क्या करवाया है सर। और ये हमारे विवेक भाई जी हैं जो सारा कुछ जिनकी वजह से हो पाता है। ये हम लोग की टीम की वजह है। और ये काफी पॉपुलर नहीं हो गया दीपेश भाई? हाँ, ये एक्चुअली मेरा फेम खा गया है, डायरेक्टर मैं हूँ। एंड आपको बताना चाहते हैं, यू आर वेरी टैलेंटेड अमित भाई, यू आर वेरी टैलेंटेड। कैसा लगा? इट्स लाइक वेरी इजी फॉर मी, मैं भी बहुत इतना
माइंड फ्री होके मैंने। अच्छा आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे, अमित भाई वो कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने बादशाह, फलाना, डिमका, हनी सिंह, कौन कौन है उन सबको इन्होंने डांस करवाया है। आज इन्होंने अपने हिट मशीन के साथ भी काम किया। ठंड की क्या, ठंड की क्या हालत है अमित भाई? और आपका वो लुक बताइए जरा, वो वाला अपना मिलिट्री वाला लुक कौन सा है? वो कहाँ है आपका? वो सर अभी आज पहना नहीं हुआ। बहुत ही स्वीट आदमी है, जल्दी से कुछ अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। बहुत अच्छा सरप्राइज है। Stay tuned guys, see you soon. भोजपुरी करके मजा आया? बिल्कुल मजा आया, क्या बात है। सो ये बहुत ही जबरदस्त टीम है। सर कौन से कैमरे पे शूट कर रही है तो बताओ? सर एरी एलेक्सा सब जो हम इसे नीचे कभी करते नहीं, स्पेशली के साथ इंडिया के लिए कभी भी। अच्छा यहीं क्यों आए, आर्मेनिया और जर्मनी क्यों, चंडीगढ़ क्यों नहीं इस बारी? कुछ अलग करना था इस बार, और ये आपको वीडियो में जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हुआ क्या है। अच्छा जितने लोग अभी आए मैं उनसे फिर से उनके लिए पूछता हूँ, यही डायरेक्टर है, यही है वो खोपड़ी जिसने तेरे मेरे दरमियाँ बनाया था। तो ये तेरे मेरे दरमियाँ से 19 है 20 है ये, मैं फिर बोलता हूँ पहले 50 था, ये 60 है। तीनों के तीनों गाने, तीन चार गाने जितने लोग करे हैं सारे के सारे 60 है। और एक भोजपुरी है, दो हिंदी है, दो हिंदी है। एक हिंदी तो क्या है, दोनों ही एक तो क्या है। इस बार खेसारी भैया ने जब कमाल किया गानों में भी और एक्टिंग में, बहुत ही जबरदस्त। बस अब हमें वेट नहीं हो रहा कब आएंगे ये गाने। हाँ यही है। अब लाइन प्रोड्यूसर बहुत पॉपुलर हो गए आप, इनको आप लोगों ने खूब कास्टिंग डायरेक्टर। अभी दिखाता हूँ ये एक सीक्वेंस है, इसके लिए हम लोग कितनी दूर आए हैं रखीजा। अच्छा हम लोग को भागना पड़ रहा है, 12 घंटे की फ्लाइट पकड़ के। ये और एक्चुअली 80 किलोमीटर ये भागना पड़ता है। ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं क्यूटी पाई। ओके सर एक वेव कर दो। अच्छा यहाँ 3-4 डिग्री में शर्ट पे कैसे हैं आप? ये देखिए हम लोग बता रहे हैं 3 डिग्री टेम्परेचर जैसा डायरेक्टर ने बताया, अमित भाई ने बताया। और ये देखिए, अच्छा आर्मेनिया सुंदर है या जर्मनी? हाय हाय। लेकिन यहाँ शूटिंग करके कैसा लग रहा है भैया? You speak English? No, so you can say hello to a lot of people. All are his fan. They are live. They are watching you. You can say it in Armenian or English, whatever you feel like. Yeah, you can say. Speak something. Say hello to yeah, yeah. अच्छा ये बड़ा लैंग्वेज है दीपा भैया, लेकिन फिर भी मारते हैं। In song. Fine. He's a good actor. हाँ brilliant actor. Great. So ये एक sequence है हमारा घोड़े का जिसमें इनको shirt पे लाया गया है। बहुत मजा आएगा। और कल भैया आप लोगों को Instagram पे मिलेंगे, तो please कल active रहना, कभी भी आ सकते हैं ये live। तो ये है आर्मेनिया, आपको दिखाया। और सही बहुत ठंड है। तो जर्मनी में भी थी, यहाँ भी है, बट ये बहुत ही सुंदर कंट्री है यार, बहुत ही सुंदर कंट्री है। कुछ लोगों के मैसेज पढ़ लेते हैं। रुपेश लव यू भाई। ये देखिए ओए, मैं कुछ चेंज कर रहा था यार, कैमरा वो चेंज नहीं हो पाया, कोई नहीं। सबको लव यू। और ये सब आप लोग जो भैया को इतना प्यार मोहब्बत देते हैं ना, उसकी वजह से है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, बाकी तो प्यार दुलार देना आप लोग के हाथ में। सो थैंक यू वंस अगेन। आर्मेनिया का छोटा सा झलक आप लोगों को दिखाया। हम लोग आर्मेनिया के येरेवान शहर में हैं। येरेवान वहाँ कैपिटल है। और अभी फ़िलहाल हम लोग येरेवान से 168 किलोमीटर, 128 या 130, कौन सा सिटी है ये? सित्रक क्या? ग्यूमरी। ग्यूमरी, इस समय हम लोग ग्यूमरी शहर है।
तो ग्यूमरी में हम लोग शूट कर रहे हैं, जियो व्यास, ट्रेंडिंग स्टार, पीपी ईरान, गोविंद यादव जी, लव यू भाई, आई सरकार, जियो व्यास, ट्रेंडिंग स्टार, लव यू भाई, पंकज बिहारी भैया, लव यू भैया, मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द। सो यही है। हाँ आप लोग मतलब ज़बरदस्त है, मतलब भैया के लिए प्यार तो आप लोग के लिए हैट्स ऑफ है। सो भैया भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सच बता रहा हूँ आप हमारे को ही देखेंगे तो मैंने स्कार्फ पहना हुआ है, एक ही मोटा जैकेट है, उसके अंदर एक और जैकेट है, फिर एक इनर है। तो अभी मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। और ये जो DOP है ना, जो DOP है जो कैमरा रोल कर रहे हैं, क्या मेहनती आदमी है, भागो क्योंकि अच्छा ये लगता होगा आप लोगों को बहुत इजी है, बहुत टफ काम है। सी ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग हैं ये। मैं बहुत ज़्यादा लुक भैया का नहीं दिखा सकता आप लोगों को, क्योंकि फिर वो एक्साइटमेंट चली जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, हम बदल नहीं दिए, बस ट्राई कर रहे हैं कि अपनी इंडस्ट्री को कुछ अच्छा अच्छे मुकाम पे ले जाया जाए। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो या और कुछ लोगों से बात करते हैं। ठंड ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ गिरुआ यादव, टैक्स भोजपुरी, कैसे है मेरे भाई? विवेक उपाध्याय, प्लीज़ क्लियर कीजिए, क्या ये पवन सिंह का प्रोजेक्ट था? नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं था, ये तो डेवन से भैया का ही प्रोजेक्ट था। गाने हम लोगों ने बनवाए हैं सब कुछ, और बहुत ही प्यारे शानदार। एक्चुअली जो हमारे DOP हैं, इनको इंग्लिश आती नहीं है, बट ब्रो दीपेश डू दैट वंस अगेन ना, वेट अच्छा मैं एक आदमी से और मिलना चाहता हूँ, दिस इज खेसारी व्यास फैन, ये अरमान है। हेलो एवरीवन। एंड अरमान इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, यही है पूरे अर्मेनिया एवरीथिंग, इन्हीं की वजह से ये पॉसिबल है। थैंक यू अरमान, और ही इज अ सुपर स्टार हमारे, इसको बहुत इनका। My name is Vegan. Vegan and Arman, please Arman, come. Arman, please come. My name is Vegan. He is my friend Arman. I and Arman doing line production in Armenia. And how is Kesari Yadav? Very good. Fantastic. He's very professional. Amazing. The best one in India. Oh. I can say. Seriously? You know we are working with a lot of people. Yes. But he's the number one. Oh, thank you so much. And these two people, ये दोनों लोग, they are amazing. बहुत hard working हैं. बहुत ज़्यादा hard working. मैं बताता हूँ आपको. मतलब हम लोग 1-2 बजे पैकअप करते हैं, सुबह 6 बजे ये हमारे होटल आते हैं हमारे को पिक करने के लिए, एंड इतना ज़्यादा फास्ट ये काम करते हैं। मैं आपको DOP से मिलवाना चाहता हूँ, ही इज़ अ ग्रेट DOP। सो ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी बहुत होता है, ये देखिए ये फ़ोटो सेशन, ये जो है सी हाँ वीगन से कुछ हिंदी में से, ठीक है भैया का गाना प्लीज़, ठीक है जल्दी करो, हाँ हाँ डोंट अच्छा वीगन या हाँ अच्छा, इस वीडियो आप लोगों ने देखा था भैया के साथ साकी गाड़ी के अंदर, इन द कार दे सॉ योर वीडियो, यस दैट इज वायरल नाउ, यस सो ही इज द गाय, ही इज द गाय वीगन, ही इज अमेजिंग, और वीगन ने रील भी बनाया है, सो उसको हम लोग अभी शेयर करेंगे। Love you, Vegan. You are love you too. You are the man. It's very pleasure working with your team. I and Arman, it's very pleasure for us working with you, with your team. You are very fantastic guys, bro. Thank you so much, Vegan. Let's go. So, ये हम लोग कुछ try कर रहे हैं, और कहीं भी जाएं तो अपना देश, अपने संस्कृति का हम लोग को नाम आगे करना है। अच्छा लगता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्या ये पवन सिंह? नहीं भाई ये पवन भैया का प्रोजेक्ट नहीं था, ये खेसारी भैया का ही प्रोजेक्ट था। जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों पे ध्यान मत दीजिए आप। सो क्या हाल हो ये भाई, बहुत ठंडी है दोस्त। सो यही है, अभी
मैं आपको देखता हूँ कुछ, और मैंने कहा मैं आपको DOP से बात करता हूँ। एक्चुअली एक और है इशू कि यहाँ पे लोग इंग्लिश भी बहुत कम बोलते हैं, हिंदी तो छोड़ी मतलब बहुत ही ना के बराबर ही है, और भोजपुरी भी एकदम ना के बराबर ही है, और हम लोग के लिए आर्मेनियन लैंग्वेज या फिर रशियन ना के बराबर है, उस तरह जर्मन ना के बराबर था, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। बट ये दो जो यहाँ के लोकल प्रोडक्शन है, अरमान एंड वीगन, दे आर अमेजिंग, और वो उनको इंग्लिश आती है, तो उन लोग कंफर्टेबल है काम करने में, और दिन में कम से कम 4 कॉफ़ी पी जाते हैं। लव यू भाई, यही है शशिकांत यादव, लव यू केसारी भाई, यस। अरे क्या बात है, एक बहुत ही क्रिएटिव आदमी हमारे साथ जुड़े हैं जंट जी। अगला वीडियो मेरा खिसाई लाल यादव पर ही है। अच्छा अच्छा बनाइएगा दोस्त। दीपक कुमार, लव यू भाई। कब आना है यार, हम लोग आएंगे 30 या 1 तारीख तक। और कुछ पूछना है आप लोगों को? भोजपुरी सिखा दी सबके? हाँ लागल बनी जा, लागर मैं 2-4 को सब तो सिखा दे मैंने, बाकी गाना होना भैया के पूरा सुना दिल मैंने जाना बेरिया में पूरा सबके। ब्लू बीट का छठ सॉन्ग कब आएगा? 28 तारीख को आएगा, 28 तारीख को ब्लू बीट का छठ सॉन्ग आएगा, और बहुत ही हाँ ब्रदर भाई मैं आपको DOP से मिलाता हूँ। आई लल छो, पहले आप ये देखो जो वाई का एक सिग्नेचर है। सो भाई, दीज आर द फैंस ऑफ खेसारी भैया। हेलो, ही इज अ ग्रेट मैन, ग्रेट DOP, ग्रेट DOP। हाउ यू लाइक द मैन, योर एक्टर? सो जैसे मैं बताया था कि इनको इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं, और मैंने ये हाय हेलो करके ही बात करते हैं। सो अच्छा, यू ऑल हैव मेट सदा एंड there are so many people who are watching and you have met her with bhaiya bhi. Sada se aap log mil chuke hain, this makeup se milwa chuka hu, Amit se aap log mil chuke hain. So you love working, it's amazing, great, right? So thodi si bas, as I said, ye coffee shop hai aur ye ek aapko dikhata hu, ye hai national hero of Armenia. और क्या स्ट्रीट है ना, कितना सुंदर, ये देखिए। मनीष, दो गाने की शूटिंग यहाँ पे हो रही है, बाकी दो गाने की वहाँ हो चुकी है, भैया शूट कर रहे हैं इनफैक्ट अभी, क्योंकि उनको ठंड बहुत ज़्यादा थी ना यार, उन्होंने सिर्फ शर्ट पहनी थी, तो थोड़ा सा हीटर में बैठेंगे अंदर। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव पंकज सोनी भाई, कैसे हैं? छठ आपने अच्छा शूट किया है, पंकज सोनी भाई का डायरेक्ट किया हुआ गाना कल आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। कौन है? पवन भक्त यादव जी भाई, पवन सिंह का देख देख करते, अच्छी बात है, वो बड़े हैं, उनका देख के अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो खुश हो जाइए यार, इसमें ऐसा बोलने वाली क्या बात है। हाँ जी, वायरल ओरिजिनल वायरल पे आएगा ये, ठीक है। चलो अभी रखते हैं, बाय बाय एंड गुड नाइट। नहीं, गुड नाइट हमारी तरफ से नहीं, आप लोग के लिए गुड नाइट। हाँ भैया, ये देखिए, ये यहाँ का पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है यहाँ का, और ये पूरा, और यहाँ भी ये चर्च है, अभी लाइट नहीं जल रही इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो बहुत ही सुंदर शहर है। मैं ट्राई करूँगा कल भी कुछ दिखाऊँ, और मैं भैया को लेके आऊँगा। शैलेश भाई, खेसारी भैया को एक्चुअली लुक की बात नहीं है, वो आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये बहुत ही मॉडर्न और इंग्लिश लुक दिया गया है। सो आप थोड़ा सा वीडियो, आशीष सत्यार्थी, हर महादेव मेरे भाई, कैसा है? सो ठीक है, पानी कब तक आएगा यार? इस मंथ में आ जाना चाहिए, मतलब नवंबर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और अपना भी ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, एंड गुड नाइट, टेक केयर।
एंड हिट मशीन को तो ढेर सारा प्यार दिया। और हमारे छठ गाने जो जो रिलीज़ हुए हैं, प्लीज़ देखिए खेसारी भैया से कभी बात करवाइए, पक्का झंड जी आपकी बात करवाएंगे 100%। चलिए बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।